हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ स्टार्टर इलेक्ट्रिक इंजन इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है और उसका वर्किंग कैसा होता है, ये हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो व्हाट इज़ स्टार्टर? अब स्टार्टर क्या है, नाम से उसके पता चलता है कि ये ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। पर क्या स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, स्टार्टर क्या होता है, एक सेल्फ स्टार्टर या फिर क्रैंकिंग मोटर या फिर स्टार्टर मोटर, इसको क्या क्या बोला जाता है? इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो स्टार्टर That is also self-starter cranking motor or starter motor is a device used to rotate crank an internal combustion engine so as to initiate the engine's operation under its own power. तो यह है इसकी डेफिनेशन। क्या कहते हैं डेफिनेशन की, एक स्टार्टर जिसको हम सेल्फ स्टार्टर या फिर क्रैंकिंग मोटर और स्टार्टर मोटर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, रोटेट करने के लिए यानी कि क्रैंक करने के लिए। किसको? इंटरनल कंबशन इंजन को। इंटरनल कंबशन इंजन को जो है रोटेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो एज टू इनिशिएट द इंजन ऑपरेशन अंडर इट्स ओन पावर, यानी कि जो इंजन का ऑपरेशन है वो इंजन के ही कंट्रोल में रखने के लिए हम इस स्टार्टर को यूज़ करते हैं। ये इंटरनल कंबशन इंजन का जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो उसी के अंडर में होने के लिए, रखने के लिए हम स्टार्टर भी यूज़ करते हैं। और इसको एक सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस भी बोला जाता है, क्रैंकिंग मोटर, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए यानी कि क्रैंकिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको क्रैंकिंग मोटर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद इसका नाम है स्टार्टर मोटर। ओके, इसको स्टार्टर मोटर भी बोला जाता है। सो स्टार्टर कैन बी इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। इट कैन बी न्यूमेटिक यहाँ पे यूज इलेक्ट्रिक और इट कैन बी हाइड्रोलिक। ओके, सो द स्टार्टर कैन आल्सो बी अनदर इंटरनल कंबशन इंजन इन दिस केस फॉर इंस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज इंजन्स और डीजल इंजन्स इन एग्रीकल्चर और एक्सकेवेशन एप्लीकेशन। तो क्या कहा गया है, जो स्टार्टर है हमारा ये, दिस कैन आल्सो बी अनदर इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है कि इंटरनल कंबशन इंजन
ये स्टार्टर खुद हो सकता है, ठीक है। स्टार्टर कैन आल्सो बी अनदर इंटरनल कंबशन इंजन इन द केस, कौन सी केस में, फॉर इंस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज इंजन्स, ठीक है, बहुत बड़ी इंजन्स के लिए जो है एक इंस्टेंस का काम करती है। इंस्टेंट के केस में जो है ये एक अनदर इंटरनल कंबशन इंजन का काम कर सकती है, या फिर डीजल इंजन्स में जो कि यूज होती है एग्रीकल्चर या फिर एक्सकेवेशन एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये है हमारे स्टार्टर की डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखने में लगता है हमारा स्टार्टर। सो क्या बताया गया है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन्स है ये एक फीडबैक सिस्टम है। यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा ना कि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, सॉरी इंटरनल कंबशन इंजन जो है एक तरीके से फीडबैक सिस्टम है जो कि हम हमारे सिस्टम में फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं इन इंटरनल कंबशन इंजन को। ओके, जो कि ये एक ऐसी फीडबैक सिस्टम है जो कि एक बार स्टार्ट हो गई तो वो रिलाई करती है इनर्शिया पे फ्रॉम ईच साइकिल टू इनिशिएट द नेक्स्ट साइकिल। किस पे रिलाई करती है? इट रिलाई ऑन द रिलाइज ऑन रिले ऑन इनर्शिया फ्रॉम ईच साइकिल टू इनिशिएट नेक्स्ट साइकिल। सो इन अ फोर स्ट्रोक इंजन, अब ये तो हो गई हमारी कंबशन इंजन के बारे में, ठीक है। तो कंबशन इंजन में अगर बात करें फोर स्ट्रोक इंजन की, इन अ फोर स्ट्रोक इंजन द थर्ड स्ट्रोक रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो थर्ड स्ट्रोक होता है ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है फ्रॉम द फ्यूल पावरिंग द फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड आल्सो द फर्स्ट टू स्ट्रोक्स ऑफ द नेक्स्ट साइकिल एज वेल एज पावरिंग द इंजन्स इन एक्सटर्नल लोड। जो हमारा थर्ड स्ट्रोक है, थर्ड स्ट्रोक ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करने का काम करता है फ्रॉम द फ्यूल और पावर करता है फोर्थ स्ट्रोक को, ठीक है, उसके साथ साथ पावरिंग द फोर्थ स्ट्रोक को पार करने का काम करता है एंड आल्सो उसके साथ साथ पावर करने का काम करता है फोर्थ स्ट्रोक को एंड आल्सो ये क्या करता है कि जो फर्स्ट टू स्ट्रोक्स इनको भी पावर करने का काम करता है ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। लेकिन जो फोर्थ स्ट्रोक है उसके लिए एग्जॉस्ट का काम करेगा और जो टू स्ट्रोक्स है फर्स्ट टू स्ट्रोक के लिए कंप्रेशन का काम करेगा। देन उसके बाद टू स्टार्ट द फर्स्ट साइकिल, उसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि ये जो हमारा थर्ड स्ट्रोक है एनर्जी रिलीज करने के बाद फोर्थ स्ट्रोक को पावर करेगा और फर्स्ट टू स्ट्रोक को कंप्रेशन की, इसको भी पावरिंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन होगा और यहाँ पे एग्जॉशन होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है, उसके साथ साथ ये एक्सटर्नल इंजन इंजन्स के एक्सटर्नल लोड को भी पार करने का काम करेगा। एक्सटर्नल इंजन के लोड को पार करने का काम करेगा। टू स्टार्ट द फर्स्ट साइकिल एट द बिगिनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर सेशन द फर्स्ट टू स्ट्रोक मस्ट बी पावर्ड इन सम अदर वे देन फ्रॉम द इंजन इटसेल्फ। तो इंजन के हिसाब से शुरू होने से, इंजन के खुद से शुरू होने से पहले शुरुआत के जो दो स्ट्रोक होते हैं फर्स्ट टू स्ट्रोक्स जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनको चालू कराना है।
सो द स्टार्टर मोटर इज यूज फॉर दिस पर्पज एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड वंस द इंजन स्टार्ट रनिंग एंड इट्स फीडबैक लूप बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग. क्या होता है जब ये जो स्टार्टर होता है इससे हमारा काम चल गया, एक बार हमारी मशीन ऑन हो गई, उसके बाद इसका कोई काम होता नहीं है क्योंकि जो इसकी फीडबैक होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग फीडबैक होता है. सेल्फ सस्टेनिंग फीडबैक की वजह से रनिंग कंडीशन में आने के बाद मोटर को किसी भी तरीके के स्टार्टर की जरूरत नहीं होती है. स्टार्टर को हम किस तरह पे किस टाइम पे यूज करते हैं, ओनली एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, इसलिए इसको बोला जाता है स्टार्टर. क्या बोला जाता है? स्टार्टर बोला जाता है इसी रीजन से. तो बेसिकली स्टार्टर का पर्पस यही है कि जो स्टार्टिंग करंट होता है हमारी मोटर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, जिससे जो है हमारी मोटर हीटअप हो सकती है, ठीक है, और हमारे मोटर को जो है डैमेज भी हो सकता है. इसी रीजन से हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टर को यूज़ करके हमारे हाई करंट की वैल्यू को, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू को हम लोअर वैल्यू पे भी ला सकें. तो ये था मेन पर्पस हमारे स्टार्टर का, जो कि हमने इस वीडियो में देखा. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.